हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गाइस, पूरे अमेरिका में ही 4th of July की सेलिब्रेशन होती है और बहुत अच्छी लेवल पे होती है। ह्यूस्टन में भी कई जगह पे सेलिब्रेशन होती है, बिलखसूस ह्यूस्टन के डाउनटाउन में और के माह में बहुत बड़े लेवल पे 4th of July यानी कि अमेरिका के इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन होती है। लेकिन हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग इस साल जाएंगे नेटिव अमेरिकन्स यानी के अमेरिका के जो रेड इंडियंस हैं उनके साथ जाकर इस सेलिब्रेशन को एंजॉय करेंगे। ह्यूस्टन से तकरीबन 1 घंटे के फासले पर एक छोटा सा शहर है लिविंगस्टन टेक्सास, और उससे आगे इंडियंस रिजर्वेशन शुरू हो जाती हैं और वहां पर उन्होंने 4th of July के हवाले से एक इवेंट रखा हुआ है। तो हम लोग जा रहे हैं वहां, तो लेट्स गो, देखते हैं कि रेड इंडियंस 4th of July को किस तरह सेलिब्रेट करते हैं। गाइस, फाइनली हम लोग इंडियन रिजर्वेशंस में पहुंच चुके हैं और आप मेरे पीछे जो कैंप ग्राउंड देख रहे हैं यहां पर सारी सेलिब्रेशन होने वाली है। तकरीबन आधा घंटा अभी रहता है और आधे घंटे के बाद ये सेलिब्रेशन स्टार्ट होने वाली है। ग्राउंड की एंट्रेंस और अंदर देखते हैं चल के भाई क्या सीन चल रहा है। तो भाई यहाँ पर स्टेज वगैरह सेट हुआ हुआ है और लोगों की बड़ी तादाद नज़र आ रही है, काफ़ी बड़ी तादाद में लोग आए हुए हैं। खाने पीने की शॉप्स इन्होंने लगा दी हैं यहाँ पर, स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं खाने पीने के।
गाइस जो कल्चरल डांस था वो अभी ख़त्म हो चुका है और इसके बाद अभी यहाँ पर और बहुत कुछ देखने को है, तो हम देखते हैं। आज तो हम रात तक यहीं हैं, पूरी सेलिब्रेशन जब तक 4th of July नहीं होता, 12 नहीं बजते और फायरवर्क्स नहीं होते, तो यहाँ पर एंजॉय करेंगे। आपने अभी इनका कल्चरल डांस देखा, जो कि हर जितने भी यहाँ पर अमेरिकन ट्राइब हैं उनके पास अलग अलग किस्म का थोड़ा सा डिफरेंस है। आपने मेरे पिछले व्लॉग्स में देखा होगा ओक्लाहोमा के नेटिव का डांस, और यहाँ पर ये है अलबामा कुशादा ट्राइब। तो इस डांस में थोड़ा सा फ़र्क है, इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। और सिंगिंग स्टाइल और इनके ज़्यादातर ट्रेडिशन जो हैं वो एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन कहीं कहीं थोड़ा सा हर ट्राइब में कल्चर का और डांसिंग का और इनके रहन सहन का थोड़ा बहुत डिफरेंस ज़रूर है। तो गाइस कॉन्सर्ट वगैरह ख़त्म हो चुका है और अभी आधी रात होने को है, और यहाँ पर पूरी इन्होंने फायर क्रैकर्स वगैरह की तैयारी कर ली है। तो थोड़ी देर में जैसे ही 12 बजेंगे तो फायर क्रैकर्स वगैरह आपको दिखाता हूँ यहाँ पर पूरी सेलिब्रेशन कैसे होती है। और आप काफ़ी सारा हिस्सा तो देख चुके हैं और अभी ये आखिरी हिस्सा है, ये आपको दिखाता हूँ, उसके बाद हम लोग निकलेंगे वापसी की तरफ। गाइस रात का 1 बज चुका है लेकिन अभी तक फायरवर्क्स ख़त्म नहीं हुआ। काफ़ी बड़ी तादाद में लोग, पूरी इस पार्किंग लॉट में अंधेरा है और लोग बड़ी तादाद में अभी तक यहाँ मौजूद हैं, लेकिन हमें अब यहाँ से निकलना पड़ेगा। उम्मीद है आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट्स कर दीजिएगा। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।